माय चैनल। गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज गिव मी वन लाइक, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे या रिलेटिव के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रोटी रखने के लिए बॉक्स, जो बिना सिलाई के मैं बनाने वाली हूँ। आज तक मैंने सिलाई के सारे रोटी बॉक्स रोटी कवर्स बनाए, लेकिन बिना सिलाई के आज बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये फॉर्म है जो बच्चों के बैग में पड़ता है, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है ये फॉर्म। और आप अगर ये कहोगे कि बैग का फॉर्म दीजिए, जो स्कूल बैग के होते हैं वो वाले फॉर्म दीजिए, तो वो बहुत ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ पर ये वाला फॉर्म मैं ले रही हूँ क्योंकि बहुत ईजिली ये शेप ले लेता है, तो ये वाला फॉर्म लेंगे। और जिस भी रोटी का आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ से हमें यहाँ पे सर्कल कट कर लेना है। तो मैं बोलूँगी कि रोटी जो बनती है उसे थोड़ी सी बड़ी रखिएगा रोटी, तो उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको जिस चीज़ के पर्पज़ से बनाना है उस चीज़ के पर्पज़ से आप उसको बड़ा छोटा कट कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज़ मैं दिखा दूँ कि मैंने अपनी एक पुरानी कुर्ती निकाली हुई है और उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये नहीं पहनना मुझे अब क्योंकि ये ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो इसी के शेप का मैंने स्लीव निकाली है। और इस स्लीव से मैं ये जो गोल सर्कल हमने कट करके रखा है उसको निकालना है। लेकिन देखिए थोड़ा सा मार्क जो है गोल सर्कल से थोड़ा बड़ा करके लगाना है, तो थोड़ा सा बड़ा मैं पीस कट कर रही हूँ। जो पीस गोल हमारी पहले हमने काटी थी बॉटम के लिए प्लेट के साइज़ से, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें यहाँ पर कट करनी है कपड़े का पीस जो है। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा मैंने करीब एक एक इंच मैंने बड़ा रखा हुआ है, तो यहाँ बड़ा इस तरीके रखना है क्योंकि इसको हमें ऊपर कवर करना। अब यहाँ पे ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिलाई हमें नहीं लगानी है, बहुत इजीली ग्लू से चिपक जाता है। आप चाहो तो फिर आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। धुलने के बाद ये निकलता नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है और फैब्रिक पर अच्छे से चिपका देता है ये, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका चिपकेगा नहीं या बाद में निकल आएगा, ईज़िली ये काम करेगा। ओ ये जो वाइट वाइट ऊपर आ गया है ये अभी सूख जाएगा तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि अभी गीला है ग्लू। इस तरह से मैंने चिपका दिया है इसको, और साइड साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसको हम इस तरह से कैंची से कट कर लेंगे। देखिए पूरा कॉर्नर तक नहीं कट करना है, थोड़ा सा जगह छोड़े रहना है, पूरा सर्कल में इसको कट करना है और इस तरह से इसको चिपका देना है। तो ग्लू की हेल्प से इसको भी चिपका लीजिए, और ये देखिए ग्लू की हेल्प से मैंने इसको चिपका लिया है। अभी ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, गाइस जो पीस हमने कट किया था उसी से थोड़ा सा छोटा पीस मैंने अगेन कट किया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया इस तरह गुलाई में। अब हम इसके साइड्स के जो वॉल है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीसेस कट कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसका लेंथ पूरा नापना है। कहीं से एक जगह से मार्क करके आपको पूरी गुलाई इसकी माप लेनी है इस तरह से, और अपने हिसाब से इसकी ऊंचाई आपको रखनी है कितना ऊंचा आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 इंच का मैंने रखा है, आप जितना चाहो ऊँचा रख सकते हैं। अब हम इसी के हिसाब से कपड़े के पीसेस कट कर लेंगे। तो ये जो मेरे कुर्ती का पीछे वाला पार्ट है उसका मैं यहाँ पे इसको निकालूंगी, और ध्यान रहे कि ऊपर से देखिए हमें छोड़ना नहीं है, ऊपर से ऐसा रखना है कि ऊपर से ये कवर हो जाए। तो ऊपर से हम कवर करेंगे, एक साथ कपड़े कट करने हैं दोनों तरफ के। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हमें इसे स्टिक करना है। तो पहले माउथ एरिया पर हम स्टिक करेंगे, फिर नीचे वाला जो छोटा पार्ट है उस पर स्टिक करेंगे इस तरह से, फिर ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिक करते हुए मोड़ देंगे क्योंकि स्टिक कर रहे हैं तो हम इस पर पाइपिंग नहीं लगाएंगे, इसीलिए इस तरह से हम एक साथ करेंगे। गाइस ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है और ये पूरा यहाँ से हो गया है, ऊपर से कहीं से भी ये खुला नहीं है क्योंकि एक साथ कपड़ा कट हुआ था। अब इसको जो साइड वाला एरिया है उसको हम इस तरह से चिपका देंगे सर्कल में अपने, देखिए ये
शेप बन के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा शेप आया है। थोड़ा सा मैंने पिनअप रखा हुआ है क्योंकि ग्लू अभी मेरा गीला है, तो इसलिए मैंने इसको पिन कर दिया है कि निकले ना। अब इसको साइड में रखते हैं और अब इसकी लिड तैयार करते हैं। तो बहुत इजीली बॉक्स तो बन गया हमारा रोटी का, अब इसकी लिड तैयार करते। तो ये वाला जो पार्ट है वो मैंने, मेरा आगे का जो कुर्ती का पार्ट था वो मैंने रखा हुआ था। अभी तक मैंने स्लीव का यूज़ किया है और पीछे के पार्ट का यूज़ करके बॉक्स बना लिया है। और बॉक्स के ही साइज़ का इसको हम फिर से कट करेंगे फॉर्म को। यहाँ सर्किल में मैंने अगेन एक कट कर रखा है और ये देखिए मैंने उसी तरीके से, उसी मेथड से जैसे पहला वाला सर्कल हमने किया था, उसी मेथड से मैंने इसको भी स्टिक कर दिया है इस पर रखने के लिए। और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ, ये मेरे पास था, ये हार्डवेयर शॉप पे 10 रुपये का मैंने लिया है, बहुत ही सस्ता ये मिलता है। ये क्योंकि लोहे का होता है तो ये पॉलिश होता है तो बहुत ईजी मिल जाता है, तो ये लेके इस पर मैंने स्टिक कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है ये, तो आप लगा लें या तो नहीं छोड़ दें, कपड़े का लगा लें। अब इसके बाद ये मेरे पास थोड़ी सी लेस है जो बस इसी की इतना ही है जितना बॉक्स है मेरा, मैंने मापा है। तो ये ऊपर के पोर्शन में इस तरह से मैं लगाऊंगी। कोई अच्छी सी लेस हो आप लगा सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर आप न लगाओ तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने देखी ये पूरे गोल में इसको लगा दिया है और बहुत ही अच्छी लग रही है ये लेस, क्योंकि कलर सेम मिल गया मुझे। और ये बॉक्स तो बन के रेडी है, लेकिन थोड़ा सा काम इसमें मुझे अभी और करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कट करके पीसेस बची हुई थी मेरे कुर्ती की, उसमें से ये गोल गोल मुझे दिखा है, तो ये गोल गोल पीस मैं कट कर रही हूँ। आप चाहो तो कुछ भी फ्लावर टाइप का आपके पास हो तो वो रख सकते हैं आप इसकी जगह पे। तो ये छोटा छोटा जो कुर्ती में मेरे एम्ब्रॉयडरी है उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वेस्ट ये हो जाएगा और ये मैं यूज़ भी कर लूँगी इस तरह से। फेंकने से अच्छा है कि इसका इस्तेमाल मैं कर लूँ। तो ये सारे पीसेस मैं इस तरह से कट कर लूँगी और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि मैंने उसका यूज़ इस तरह से किया है जो हमने कट करके उसमें से निकाला था। मैंने इस तरह से फ्लावर लगा दिया उसमें और ये बहुत ही प्यारी अब लग रही है पीस, आप देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने इसका फ्लावर बना के रखा दिया है और ये हमारा बॉक्स सब बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो इसमें जितनी भी रोटियां चाहिए आपको बहुत इजीली, आप बड़ी फैमिली है आपकी तो बड़ी फैमिली में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं रोटी के लिए। अदरवाइज़ मैं और तरीके बता रही हूँ उसको यूज़ करने के, मल्टी यूज़। तो गाइज़ इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बनाए हैं तो आप इसको किचन में ही रोटी के लिए ही बनाइए, आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारी बैंगल्स इसमें रखी है और पूरा एक सेट चूड़े का जो बहुत सारा आता है वो रखा है, या फिर कॉस्मेटिक भी आप बहुत इजीली रख सकते हो, मेडिसिन आप रख सकते हो, बच्चों के स्टडी मटेरियल से चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और किचन में आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए इसका लुक बहुत ही कमाल का आ रहा है, बहुत ही प्यारी पीस लग रही है, बन के रेडी हो गई है। तो गाइस बनाइए जरूर इसको, आप प्याज रख सकते हैं, लहसुन भी रख सकते हैं, आप जो भी चीज़ें आपको रखनी है किचन में ही रख सकते हो या किचन से बाहर भी आप रख सकते हो। ईजी वॉशेबल है, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो। यहाँ मैं लहसुन रख के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप लहसुन रख सकते हैं, इस तरह के सीन अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आलू प्याज और लहसुन के लिए, और बहुत ईजीली आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। Thank you.